गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आशु और लेके आया हूं नया सा वीडियो। और दिन के 12 बज चुके हैं, बहुत धूप भी है, बहुत गर्मी है। और आज हम लेके चल रहे हैं पासवान चौक से गुरु चौक, जंदाहा रोड में है, जो कि वहां पे मेरा बैंक है, कुछ काम है मुझे। और साथ में आप दिखाते हैं बहुत अच्छे अच्छे दृश्य, जो कि इस रूट में हरियाली ही हरियालियाँ हैं। और मेरा जो भी वीडियो होता है ज़्यादातर नेचर से रिलेटेड होता है, और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस रूट में और जो नहीं आ पाए हैं उनको जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और अब हम लोग निकल चुके हैं पासवान चौक से होते हुए, अभी इंडस्ट्रियल एरिया पार कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्री जो है लगी हुई हैं, और ट्रक वगैरह बहुत सारे जो है रहती हैं। हाजीपुर काफ़ी मामलों में बहुत खूबसूरत है। एक तो बुद्ध की धरती है, और पूजा पाठ में यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मानता होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। यहाँ केला, यहाँ का केला भी नामी बहुत नामी है। जैसे आप सुने होंगे, जाने होंगे कि मुजफ्फरपुर का लीची और हाजीपुर का केला बहुत ही नामी है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला इस वीडियो में, आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नज़ाराएँ आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। आज कुछ अपने बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मैं क्या करता हूँ, और मैं मुझे वीडियो और पिक्स वगैरह का बहुत शौक था शुरू से ही। और अभी मैं फाइनेंस सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, साथ में मेरा ये शौक है। और मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे ये सब करने में, क्रिएटिव चीज़ें को करने में। और बहुत जगहों पर मैं घूम चुका हूँ, मेरे मोबाइल में भरे पड़े हैं वीडियोज और फोटोज। तो एक मेरा फ्रेंड है जो कि ब्लॉगर हैं, मनीष जी, उन्होंने मुझे इसका सजेस्ट किया कि आप तो मेरे से ज़्यादा घूमते हैं और करते, क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हैं ताकि लोगों को भी नए नए जगहों के बारे में जानकारियाँ मिले और अच्छा लगे। तो मैंने कुछ दिन सोचा और फिर सोचा कि हाँ सही बात है, मैं जब भी जाता हूँ। ये दुर्गा मंदिर आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है। माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में आके मत्थे टेकते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर मैं भी जब भी इस रूट से आता हूँ, जैसे अभी तो मैं जा रहा हूँ, उधर से रिटर्न आऊँगा तो मैं जरूर यहाँ पे माता रानी के दरबार में जाऊँगा और मत्थे टेकूँगा। और बहुत ही सुकून मिलता है मुझे यहाँ, सच पूछिए तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, और यहाँ का जो है नज़ारा और तो काफ़ी आस्था है यहाँ पर। आप अगर 5 मिनट बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सुकून मिला मुझे। ये रोड 4 लेन भी पास हो चुका है, अभी तो 2 लेन में ही रन कर रहे हैं सभी लोग, बट आने वाले समय में ये 4 लेन हो जाएगा। और बहुत ही तेज़ी से इस पर काम चल रहा है, पेपर वगैरह भी, तो आगे देखेंगे आप। पुल वगैरह सब बहुत ही जो है अच्छे बन चुके हैं। बेसिकली मैं आज जा रहा हूँ गुरु चौक के सेंट्रल बैंक, जहाँ की मेरा 5 साल होने की वजह से मेरे जितने भी ATM कार्ड्स हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। सो आज कुछ फ्री टाइम था तो मैं सोचा कि चलो आज निकल जाए, और बहुत दिनों से ATM नहीं था वहाँ पे तो मैं जा नहीं पा रहा था। आज कॉल आया था कि आज ATM है तो आज आप आके कर ले, इस वजह से आज 12 बजे मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि ये काम कर ले नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। हम पहुँच चुके हैं बिद्दुपुर पचाड़ स्टेशन, इसको कहते हैं सॉरी। तो बिद्दू, ये जो अभी सड़क आप राइट साइड में जाते हुए देखें, ये चला जाता है बाजार, बिद्दूपुर बाजार, और ये अभी हम आ गए हैं बिद्दूपुर स्टेशन। बेसिकली जो इधर के रहने वाले हैं उन्हीं को पता है कि बिद्दूपुर स्टेशन और बाजार दोनों 2 रूट में हैं। बिद्दूपुर बाजार मानार जड़ुआ रूट में है, और बिद्दूपुर स्टेशन चंदाहा हाजीपुर रूट में है। तो ये आपके लिए भी जानना जरूरी है, कभी कुछ ऐसा इधर इधर के नहीं हो आप इधर आए तो आपके जानकारी रहे, ऐसा ना हो कि आप कभी इधर आए बिद्दूपुर बाजार जाने के बजाय बिद्दूपुर स्टेशन पहुंच गए तो हो सकती है आपको कुछ दिक्कत। और बीच में जो है एक
रेलवे क्रॉसिंग भी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा, अभी तक तो बहुत ज़्यादा वहाँ रश रहता है। जब भी हम गुजरते हैं बहुत कम ही टाइम वो बंद नहीं होता है और काफ़ी सारा टाइम भी किल होता है लोगों का। बट वहाँ उसके जस्ट बगल में ही अब जो है पुल बन चुका है और दर्शन के लिए तैयार है। अभी आप देखेंगे वीडियो में, जस्ट अभी मैं पहुँच ही गया हूँ वहाँ पे, रेलवे क्रॉसिंग के पास में आ गया हूँ। देख सकते हैं ये जो सीधा सीधा रोड गया है ना, वो ओवरब्रिज की तरफ गया है। अभी इसमें बीच में एक पुल डालना बाकी है, तो ये पूरे की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और काफ़ी हद तक जो है ना समस्या दूर हो जाएगी। इस रूट में यही एक समस्या था जो कि बहुत ही क्रिटिकल था, कि जब भी आप इधर आए लंबी लाइन लाइनें लगी रहती हैं, एम्बुलेंस को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे नॉर्मल जो जाने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पेशेंट हैं और जो इमरजेंसी में जाने वाला है उनको बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, ये देख सकते हैं एक एंड पॉइंट है पुल का, जो कि अभी मैं पड़कर हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है, जंदा साइड से आएंगे तो यहाँ से चढ़ेंगे वहाँ जहाँ अभी हम दिखा रहे थे रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले, वहाँ पे वो पुल एंड होता है। काफ़ी अच्छा पुल बनाया गया है, बहुत ही स्पेस है, फोर लेन पुल है, अच्छे खासा भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। और कभी भी ये पुल हो जाने के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चक सिकंदर बाजार के निकट पहुंच गए हैं, जो कि ये इस पुल का स्टार्टिंग चक सिकंदर बाजार खत्म होते ही ये स्टार्टिंग होता है। और यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है जो कि हाजीपुर से अगर आप आ रहे हैं, बीच में आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही पेट्रोल पंप मिलता था, उसके बाद भी यही मिलता था। अब तो रहीमापुर के बाद भी जो है एक पेट्रोल पंप खुल गया है, बट पहले यही हुआ करता था, अगर किसी के पास पेट्रोल नहीं है तो यहीं से भरा लिया करते थे ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग पहुंच गए चक सिकंदर बाजार, जो कि बेसिकली एक छोटा सा बाजार है, बट बहुत ही आने वाले समय में 2-3 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। एटीएम वगैरह जो भी चीज़ है, छोटा मोटा बाजार है बट हर चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पे। कपड़े की दुकान, किराना शॉप, हार्डवेयर, वो जो भी चीज़ होते हैं एक नॉर्मल से बाजार में वो सब मिलते हैं। देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, इसलिए जो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत कम है, बहुत ही स्मूथली जा रहे हैं। हालांकि मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता हूँ जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या मैं बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ, खासकर वीडियो बनाने वक्त, कि उस टाइम में ध्यान आपका बढ़ सकता है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी गाड़ी पे विदाउट एनी रीजन आप ऐसे जो है स्पीड ना चलाएं, काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपको। एक पुल यहाँ से भी जो है बबली मठ पेट्रोल पंप से पहले ही एक रास्ता गई है, जो कि यहाँ से बख्तियारपुर की तरफ आई थिंक पुल बन रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट अच्छा खासा जो है स्पेस जो है रोड है, स्पेसिस रोड है। ये पेट्रोल पंप है बबनी मठ का, हम लोग बबनी मठ पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, जो कि यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बबनी मठ हम लोग पहुँच चुके हैं। बबनी मठ यहाँ पे एक मठ के लिए नामी है और ये खोखसा पंचायत से भी जुड़ा हुआ है। और राइट साइड में जो रास्ता गई है पेट्रोल खोखसा पंचायत में गई है। देखिए बहुत बड़ा तालाब है, ये भी मठ का ही है और अभी भी मठ का जो है जो नियम कानून है उसका पालन होता है, पूजा पाठ जो होता है समय पर होता है। यहाँ पे एक आईटीआई कॉलेज है, जो यहाँ के जो भी आसपास के लड़के हैं उनको पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी साधन है यहाँ पे। खासकर पर पहले जो है इधर कुछ नहीं हुआ करता था, तब जो है लड़के बाहर जाया करते थे और काफ़ी टाइम भी उसमें जो है जाता था उनको जानने आने में। यहाँ के लोकल के लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज़ें ये सब मुहैया हो चुकी हैं। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गाजीपुर। देख सकते हैं रोड के किनारे कितने मतलब अच्छे सीन आपको दिख रहे होंगे, दोनों साइड पेड़ पौधे हैं। इससे क्या होता है कि अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कि छाया ही छाया है और इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं गाजीपुर पहुँच चुका हूँ, गाजीपुर से
ये जो गाजीपुर है यहाँ से दो रास्ता कटती है, एक राइट के, आप अगर हाजीपुर से आ रहे हैं तो राइट की तरफ देसरी निकल जाती हैं और लेफ्ट की तरफ जो है सीधे महुआ थाना के पास जो है घूम जाती है। पहले ये जो रूट देख रहे हैं ये बहुत काफ़ी जो है खतरनाक रूट हुआ करता था, स्पेशली नाइट के लिए जब आप इधर से जा रहे हो तो बहुत ही बाइक छीन जाने का डर, पैसा छीन जाने का डर रहता था और काफ़ी अपराधी लोग जो है इस एरिया में पाए जाते थे, खासकर बाइक लूट वगैरह जो है। खुद मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हो चुका है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा, जिस बाइक से मैं भी चल रहा हूँ इसी बाइक की कहानी है। अभी हम लोग आ गए हैं आंध्रावड़ चौक जो कि गाजीपुर के बाद आता है। यहाँ आंध्रावड़ चौक से लेफ्ट रास्ता गई है ददुआ, जहाँ की बहुत ही बड़ा शंकर भगवान का मंदिर है बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर इनको कहा जाता है। यहाँ भी साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है और काफ़ी लोग जुटते हैं, आप जाएंगे तो देखेंगे तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं पूजा करने, बहुत ही मान्यताएँ हैं बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ को लेकर। कभी इस रूट में आइए तो जरूर आए। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इधर आऊँगा तो मैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगा, जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं आप हमारे वीडियो से वैशाली जिला के हर एक जगहों का जो है मायना कर पाएंगे आप। खासकर मैं बहुत जल्दी मैं बाहर भी जाने वाला हूँ तो आपको वहाँ का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हम पहुँच गए हैं चकफत्ते चौक, बेसिकली चौक नहीं है एक चौक, चकफत्ते एक मोड़ है जहाँ से चकफत्ते के लिए रास्ता गई है। गांव है एक छोटा सा, बहुत अच्छा गांव है। अब एक्चुअली मेरा एटीएम नहीं है तो मुझे आना पड़ा, ये यहाँ पे मेरा अकाउंट यहीं का है। ये हम पहुँच गए हैं गुरु चौक जो कि जंदाहा के बाद बहुत बड़ा चौक है ये। 10-5 साल पहले तक यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, बट आप देखेंगे आज की डेट में बहुत बड़ा बाजार हो गया, चौक था पहले ये, अब ये बाजार हो गया। गाइस जब मैं पहुंच चुका हूं, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब मैं पहुंच चुका हूं विभूति मोबाइल सेंटर, जहां कि मुझे अपने मोबाइल से रिलेटेड कुछ काम करने हैं और फिर मैं निकलूँगा अपने बैंक के लिए, वहाँ से एटीएम कार्ड लेकर, और मैं फिर रिटर्न हूँगा हाजीपुर के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।